बिहार के आम सप्लायर झारखंड खासकर रांची में एक्टिव है। कई अत्याधुनिक और उम्दा किस्म के हथियारों की गोलियां सप्लाई करना इनकी फितरत है। पटना में रहने वाले रवि सिंह आम सप्लायरों को उनकी डिमांड पर गोलियां बेचने को देता है। इसकी अच्छी खासी कीमत भी वसूली जाती है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब रांची पुलिस की एक स्पेशल टीम ने गोलियां खरीद बिक्री करने वाले ईश्वरी पांडे और प्रीतम कुमार को दबोच लिया। इनके पास से AK-47 की 295 जिंदा गोलियां एवं 1,93,000 रुपए कैश मिला है। रांची के सिटी SP अंशुमन कुमार के नेतृत्व में गठित टीम को यह उम्दा कामयाबी मिली। गिरफ्तार ईश्वरी पांडे और प्रीतम कुमार ने पूछताछ में पुलिस को पूरे नेटवर्क के बारे में बता दिया है। बिहार के आर्म्स और गोलियां झारखंड के छोटे बड़े आपराधिक गिरोह से लेकर उग्रवादी संगठनों तक बड़े आराम से पहुंचा दिए जाते हैं। इस काम में कई लोग जुटे हैं। सिटी SP अंशुमन कुमार ने बताया कि बीते 30 जुलाई को रांची पुलिस कप्तान कौशल किशोर को बिहार के आर्म सप्लायरों के बारे में एक गुप्त सूचना मिली थी। उन्हें यह भी सूचना मिली कि सदर या मेसरा ओबी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गोलियों की खरीद बिक्री होने वाली है। इस सूचना को उन्होंने गंभीरता से लिया। इसके बाद सिटी SP की लीडरशिप में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। टीम में सदर के DSP प्रभात रंजन, सदर के थानेदार SK महतो, सुखदेव नगर की थानेदार ममता कुमारी, मेसरा ओपी के थानेदार विपुल ओझा, ASI अमित प्रशांत, विकास कुमार एवं रंजीत कुमार को रखा गया। गुप्तचरों से मिले क्लू के बाद टेक्निकल सेल की भी मदद ली गई। इसके बाद सप्लाई ईश्वरी पांडे और प्रीतम कुमार को धर लिया गया। ये दोनों गया के रहने वाले हैं। सुने क्या बोले रांची के सिटी SP अंशुमन कुमार। 30 जुलाई को रांची पुलिस को हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को यह सूचना बाहर से मिली थी कि कुछ एक व्यक्ति यहाँ पर गोली, अवैध गोली का खरीद बिक्री करने के लिए रांची आने वाले हैं और कहीं पर आकर ठहरेंगे। उसके बाद उनके निर्देशानुसार यहाँ पर एक टीम का गठन किया गया जिसकी मॉनिटरिंग मैं स्वयं कर रहा था। इस टीम में प्रभात रंजन बरवा जो कि सदर DSP हैं, सदर थाना प्रभारी, BIT मेसरा के थाना प्रभारी एवं अन्य अधिकारियों को लगाया गया था। जो भी सूचना हम लोगों को मिली उसके अनुसार हम लोगों ने रेड किया और इसमें से दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी हम लोगों ने की है। इसके पास से 295 AK-47 की गोली मिली है, साथ ही 1,93,000 रुपये भी इनके पास से कैश बरामद हुआ है। इनका मुख्य रूप से काम यही होता था कि यह बिहार इत्यादि से आकर गोली लाकर यहाँ रांची में भी खरीद बिक्री करते थे और अन्य किसी जगह पर उसको भिजवाते थे। यह गोली कहाँ जाने वाली है इसकी सूचना हम लोगों ने प्राप्त की है। इस पर अनुसंधान अभी तक जारी है ताकि इसका मेन जो डेस्टिनेशन है उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर पाए। लेकिन तत्कालिक रूप से इन दो लोगों को गिरफ्तार करके हम लोग जेल भेजे। इससे हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं कि ये गोलियां नक्सल या संगठन तक पहुँच सकती। ये दोनों जो हैं गया के रहने वाले हैं और इनसे हम लोग गया पुलिस से भी जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पर इनका कोई आपराधिक इतिहास रहा है या नहीं रहा है। ये मुख्य रूप से जो है दूसरे शहर राज्यों से ही गोली का इंतजाम करके यहाँ पर लाकर उसी खरीद बिक्री करते हैं।